मेरा नाम शहबाज और आप देख रहे हैं टेकेरी सलन को। गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने सेलर हब कस्टमर केयर से। इसी बारे में बताता हूँ मैं कि जैसा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, आपको प्रोडक्ट ना टाइम से पहुँचने की या किसी भी तरीके से, तो गाइज यहाँ पहले हम डैशबोर्ड पे हैं। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन हो जाओगे। लॉक्ड होने के बाद तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ टाइम लग रहा है गाइज इसमें, नेटवर्क से प्रॉब्लम है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसा कि ये आपको वही मेल आईडी जिसमें आप रजिस्टर कर चुके, जिससे आप मेल करते हो या फिर रजिस्टर करते हो, लिस्टिंग करते हो, सारी चीज़ ये डेमो के तौर पे मैंने आपको बता रहा हूँ जो पिछली बार मैं आपको बताया था। तो यहाँ देखिए आप क्लिक करोगे ढेर सारा ऑप्शन आया, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में आया था है कि सबसे फोर्थ में, तो ये देखिए आपका योर टिकट्स डैशबोर्ड, ठीक है, जनरल टिकट्स, यहाँ पे रेस कर सकते हो अपने टिकट्स को। अगर ये छोड़ के यहाँ पे आया राइट कॉर्नर पे आस्क फॉर असिस्टेंस, तो यहाँ पे गाइस ये तो मैं जानता हूँ कि जहाँ तक सारी प्रॉब्लम आपको यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, सारा ऑप्शन यहाँ पे देता है। अगर फिर भी नहीं आता है कोई भी प्रॉब्लम, आपका क्वेश्चन, आपका सवाल यहाँ पर अगर शो नहीं करता है, तो आप उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन आपके पास है। यहाँ देखिए सारी चीज़ आपको आ रही है, यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स आर नॉट एट, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी आप मतलब जो भी आपको क्वेरी हो वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है, सारा सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हर तरीके के सवाल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। क्लिक करने के बाद सारी चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी। और उसके बाद तो जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन आता है, कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आता है, ये देखिए आपका वहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऐसा आया, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपको जस्ट उसका आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलने के बाद आपका वही आंसर होगा और फिर भी जो भी आपका सवाल है सब आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए उसके बारे में क्या लिखा हुआ, दो तीन ऑप्शन देता है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या तो अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता है या फिर नहीं करना चाहते हो तो उसके बाद भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो, उनका कांटेक्ट नंबर भी बाजू में दिया रहता है, आपको राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। अभी तो बस आप सेकंड टाइम खोल सकते हो। देखो यहाँ रेज अ रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं बात ही करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ यहाँ पे रेज अ रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, आपका सवाल का जवाब यहाँ पे मिल सकता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये देखिए सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑर्डर एंड डिलीवरी है, ये डिलीवरी अगर नहीं हुआ है तो सारी चीज़ का आप टाइप करके यहाँ पे दे सकते हो, आप वेट कर सकते हो। अगर आपको वेट करने का टाइम नहीं है तो ये देखिए कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, आप जो इसका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है कांटेक्ट करोगे, अपना ईमेल आईडी आप बताओगे उनको और आईडी एड्रेस बताओगे, तो सारी चीज़ आपको हेल्प करेंगे सब चीज़ों की। तो इस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बस वीडियो यहीं तक की थी दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको यूजफुल आई होगी या फिर आपको हेल्प में आया होगा। तो अगर इसको आपको लगी होगी कि मुझे अच्छा लगा, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आपको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस यही एक है सबसे बड़ा कि व्यूज़ तो इतने आ रहे हैं बट यार आप लोग बेल आइकन पर प्रेस नहीं करते हो, इसके लिए नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। तो गाइस आई होप कि आप बेल आइकन पर प्रेस करोगे। ओके गाइस बस वीडियो यहीं तक की थी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।